हेलो जी, जय माता दी। आज हम बनाते हिमाचली गोइंडे का कुछ उल्टा, जिसको बोलते लाटी। पहले बनाते छोटे बच्चे के लिए, तो इसको हम दो प्रकार से बनाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 7-8 महीने के, जिनको फिर खाना स्टार्ट करते हैं, तो हिमाचल में उनको चाव नहीं देते, इसको खिलाते। पहले हमने दूध डाल दिया, अभी इसमें हम गुड़ डालेगा, काटा हुआ गुड़ है, तो जितना को बनाना अपने हिसाब से डाल सकते। इसमें नाप कुछ नहीं होता, जितना आपको चाहिए उतना बना सकते। जैसे छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं हमारे उधर, तो उसको घी के साथ खिलाते। आटा डाल दिया हमने 2 कड़छी इसमें, तो इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसको पहले गैस पर नहीं रखना, एकदम पतला बनाना है, इसको मिक्स करना है, गांठे ना बने इसको। अच्छे से कड़छी से नहीं होती तो हाथ से कर देगी इसको, कड़छी से जल्दी ना होना तो ऐसे हाथ से कर सकते हैं, उसकी गांठे मुलायम कर सकते हैं। पहले छोटे बच्चों वाला बना के, छोटे बच्चों को पहले ना ऐसे ही बनाते थे चावल, 2-3 साल तक चावल देते ही नहीं थे उनको, और यही खिलाते थे। मीठा थोड़ा कम डाल सकते, थोड़ा कम डाल के और अच्छे से बना लो। वो गुड़ भी जरूरी है, चीनी भी डाल सकते, गुड़ भी डाल सकते, दोनों ही। फिर इसके घी के साथ बच्चों को खिला सकते हैं। इसको हिलाते रहना पड़ता है, जब तक पका नहीं तब तक हिलाते रहना पड़ेगा, ना तो इसमें ये नीचे लग जाएगा, गांठे बन जाएगी इसमें, तो थोड़ा ही है तो फटाफट हो जाएगा। ऐसे अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा दूध या पानी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पतला ही रखना है, इसको गाढ़ा नहीं बनाना है। पतला जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं पतला। हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह बनाते हैं इस तरह भी, नाम इसके अलग अलग हो सकते हैं, कई जगह कुछ और नाम बोलते हैं, पर शिमला साइड में इसको लाठी बोलते हैं। थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा और दूध डाल के इसको थोड़ा पतला कर देंगे। इसको हिलाते रहने का जब तक ये पक ना जाए, तो ऐसे हो जाएगा एकदम कड़ी जैसे, इस तरह। इसको गाढ़ा नहीं करना है। अगर ज़्यादा ही छोटे बच्चे हैं जैसे 7-8 महीने के, तो और पतला रख सकते हैं, आटा कम डाल के पतला बनाएंगे। अभी हमने तेज आंच में अच्छे से पका दिया, तो अभी क्या इसको धीमी आंच में रख देंगे, फिर हिलाने की ज़रूरत नहीं, बीच बीच में छेड़ते रहेंगे। धीमी आंच में इसको 10-15 मिनट और पकने देंगे, क्योंकि अच्छे से पकना चाहिए। इसको भी लाते रहेंगे क्योंकि नीचे ना लग जाए, वो दो तीन मिनट में, पर कम से कम 15 मिनट ऐसे ये पकना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर छोटे बच्चे के लिए बनाते हैं तो कच्चा नहीं रहना चाहिए। छोटे क्या, बड़े के लिए भी बनाएंगे तब भी पकना चाहिए। अभी ये हमारा ऐसे हो गया, जैसे कड़ी होती है ना, कड़ी की तरह सफ़ेद दिख रहा होगा, सफ़ेद मतलब हमने दूध में बनाया है, दूध और गुड़ से, आटा दूध गुड़ बस तीन ही चीज़ें बनाया इसको। और अभी हो गया, छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए, किसी को भी इसको दूध के साथ खिला सकते हैं।
फिर गैस बंद कर देंगे और इसको हटा देंगे। ये पक गया है। बड़े लोगों के लिए कैसे बनाना, उसमें पहले पानी डाला, जैसे खिंडे के लिए भी बनाते, खिंडे के लिए गरम करते हैं, पर इसको ऐसे ही बनाते। इसमें क्या दो ये है कि जिनसे खिंडा नहीं बनता है, अच्छे से नहीं बना सकते गरम से, तो इस तरह बना सकते, तो उसको ठंडे पानी में आटा और गुड़ डाल देंगे। आटा और गुड़ बराबर ही डालेंगे, पानी और ये तो अपनी मर्जी है कि कितना का बनाओगे। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके इसको पतला ही बनाते हैं, जैसे किसी के घर में बड़े लोग हैं, बड़े मतलब ये नहीं है कि लंबे बड़े हैं, बड़े का मतलब होता है जिनसे जिनके दांत वगैरह नहीं होते, खा नहीं सकते रोटी वगैरह, तो या बीमार होते हैं उनके लिए ऐसे बनाते, या जो खिंडा नहीं बना सकते वो भी इस तरह खिंडा बना सकते। ये वाला जो हमने घोल के रखा पानी में, इसको बनाते, इसको भी सेम ही है, इसको बस एक गुड़ और पानी है, इसको भी हिलाते रहेंगे जब तक पकना जाए, इसको भी हिलाते रहना पड़ेगा। अभी ये पकने लग गया, गाढ़ा होने लग गया, तो दिखेगा कि गांठे हो रही है पर नहीं होगी, हम इसको मिक्स करते रहेंगे, पकाते रहेंगे। और जिनको खिंडा भी ऐसे गर्म पानी में बनाना नहीं आता है तो इस तरह बना सकते हैं, उसके लिए पानी थोड़ा कम डाल के उसको खिंडे की तरह ऐसे बना सकते हैं। इसको थोड़ा गाढ़ा ही बनने दीजिए। अभी हमारा वो ही रहा है, थोड़ी देर और पकाना, अभी गांठी नहीं बनेगी इसमें, ये पक गया है, थोड़ा अच्छे से हो जाए तो इसलिए थोड़ा और पकाएंगे। अगर इसको गाढ़ा करना है तो बहुत देर तक गैस पर रख दो, और खिंडा जो लोग गर्म पानी में नहीं बना सकते वो इस तरह बना सकते हैं, ऐसे भी बढ़िया बनता है। अभी ये हमारा पक गया, ये ऐसा बना है, ऐसा पतला, गाढ़ा नहीं है, जैसे किसी मरीज के लिए बनाना है या ऐसे बनाना है तो छोटे बच्चों को भी खिलाना है तो इतना पतला होना चाहिए। तो ये हमने पानी और गुड़ और आटे से ही बनाया। अभी इसको गैस धीमी करके 10 मिनट और रख देंगे, हिलाने की ज़रूरत नहीं, 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे, थोड़ा अच्छे से पक जाएगा। अभी 15 मिनट हो गए, अभी हटाते इसको ढक्कन, अभी ये अच्छे से हो गया एकदम ऐसे इतना पतला है। फिर अपनी मर्जी है, गाढ़ा रखना है तो पानी कम डाल के बनाते हैं, और इस तरह से इसको बोलते हैं लाठी। हिमाचल में भी इसको कई कई जगह कुछ और बोलते हैं, कहीं कहीं और बोलते होंगे कुछ, तो मेरे को नाम लिख के बता सकते, पर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ इसको लाठी बोलते, खिंडा भी बोल सकते। अभी इसको उतार देते, ये निकालते हम इसको खाने के लिए। तो ये जो छोटे बच्चों के लिए बनाया था उसको इसमें डाल देते,
दोनों ही एक जैसी है, दूध में भी बना सकते, पर कभी कभी दूध नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है दूध में बनाओ। तो ऐसे हमें इसको, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छे नहीं लगते, आलू वगैरह में जैसे लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं तो इसमें नहीं अच्छे लगते। फिर हम उसमें घी डालेंगे इस तरह, इसको भी घी के साथ ही खाते हैं ठंडे की तरह, पर जैसे भी खाओ एक चम्मच रखें। और हमारी लाटी हो गई तैयार। तो ये अभी बिना तेल के बिना इससे घी के साथ बनाइए, खाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। जय माता दी।